आप लोग ने बोला और हम लेकर आ चुके हैं Honor 90 वर्सेस IQOO Z7 Pro का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन। ये Honor की तरफ से सबसे पहला फोन इनके इंडिया में कमबैक करने के बाद, एंड यार मेरा थोड़ा नॉस्टैल्जिया फैक्टर है इनके साथ, क्योंकि मैं Honor 6X, Honor 7X और Honor 9N भी काफी यूज कर चुका है एज माई डेली ड्राइवर, तो उसी के कारण मेरा थोड़ा एक्सपेक्टेशन भी हाई है। तो देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा होता है। परफॉर्मेंस के बारे में बात कर ही रहा हूँ तो आपको Honor 90 के अंदर मिल जाएगा Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition। तो इसका क्लॉक स्पीड जो है वो थोड़ा बूस्टेड है और हमारा जो वेरिएंट है इसमें 8GB रैम मिल जाएगा आपको। और अगर इसके ओपोनेंट के बारे में बात करूं, IQOO Z7 Pro, इसके अंदर आपको मिल जाएगा MediaTek का Dimensity 7200 SoC और ये वाले में भी 8GB रैम है। और इसके गेमिंग कंपैरिजन वाला वीडियो भी हमारा लाइव है क्लोज कॉम्पिटिटर के साथ, ऊपर लिंक पे आपको मिल जाएगा, तो यार वो भी जाके देख लीजिए। हम इसका फटाफट स्पीड टेस्ट कर लेते हैं, शुरुआत करते हैं रिस्टार्ट करके। तो Honor सबसे पहले अपना लोगो लेके आ चुका है, उसके बाद IQOO आ चुका है। लेट्स सी कौन सा सबसे पहले लोड होता है। तो सबसे पहले तो IQOO Z7 Pro आ चुका है और ये पूरा लोड भी हो चुका है। Honor अभी तक Honor अभी आ चुका है एंड ये भी रेडी है। तो यहाँ पे टोटल 20 ऐप्स है, सबको एक साथ खोलेंगे और देखेंगे कौन सा फोन सबसे जल्दी लोड करता है। तो रिस्टार्ट में तो IQOO Z7 Pro पहले आ चुका था, अब देखते हैं बाकी टेस्ट में कौन जीतता है। तो सबसे पहला ऐप है फेसबुक का, शुरुआत करते हैं। दोनों को साथ में क्लिक करेंगे, दोनों सेम ही चले, दोनों में कॉन्टेंट एक साथ ही आया है। बारी आती है अमेजोन की, साथ ही क्लिक हुए और यहाँ पे पहले अकाउंट आया है, उसके बाद यहाँ पे आया, तो Honor इस पे सबसे आगे निकल चुका है। नेक्स्ट अप जियो सिनेमा, दोनों साथ में क्लिक हुए और Honor 90 पे आ चुका है सबसे पहले, नोटिफिकेशन मांग रहा है ये। और उसके बाद IQOO Z7 Pro आया है, उसके बाद आते हैं इंस्टाग्राम पे, दोनों साथ ही क्लिक हुए, Honor 90 पे सबसे पहले लोड हो चुका है और उसके बाद IQOO Z7 Pro पे। नेक्स्ट अप ट्विटर या एक्स जो भी आप बोलोगे, Honor 90 पे फिर से पहले आ चुका है एंड उसके बाद IQOO Z7 Pro पे। फ्लिपकार्ट की बारी आती है, साथ ही क्लिक हुए, Honor 90 ने फिर से कंटेंट आगे लाया, उसके बाद IQOO Z7 Pro आ चुका है। नेक्स्ट अप प्ले स्टोर, Honor 90 ने प्ले स्टोर सबसे पहले खोला, उसके बाद IQOO Z7 Pro आया है। नेक्स्ट अप प्राइम वीडियो, दोनों को साथ में क्लिक करेंगे, Honor 90 पे सबसे पहले आया है, उसके बाद IQOO Z7 Pro पे। तो सिंस हम Amazon प्राइम वीडियो पे है, फटाफट देख लेते हैं स्ट्रीमिंग क्वालिटी क्या है। बेस्ट तक है तो आपको 1080p मिल जाएगा, तो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। लेट्स सी Honor 90 का क्या है, यहाँ पे भी बेस्ट है तो आपको यहाँ पे 1080p मिल जाएगा दोनों ही फोन पे, तो आप बिना कोई इशू के 1080p कंटेंट देख सकते हो दोनों फोन्स पे। Netflix की बारी आ रही है, Honor 90 ने फिर से सबसे पहले खोल दिया है और दोनों ही फोन्स के डिस्प्ले कैपेबिलिटीज जो है वो एकदम सिमिलर, क्योंकि दोनों में वाइड बैंड 11 का सर्टिफिकेशन आपको मिल गया है, तो आपको 1080p Netflix पे भी देखने मिल जाएगा और HDR भी आपको मिल जाएगा, HDR 10 मिल जाएगा दोनों ही फोन्स पे। तो दोनों ही फोन्स कंटेंट कंजम्पशन के लिए काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। नेक्स्ट आएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार, तो दोनों ही साथ में क्लिक हुए एंड आई थिंक Honor जीत रहा है फिलहाल। या Honor फिर से, हाँ पर इतना कुछ प्रोमिनेंट नहीं था, दोनों ऑलमोस्ट आसपास ही थे। नेक्स्ट अप मैप्स, ओके तो Honor 90 स्लाइटली थोड़ा आगे था, उसके बाद IQOO Z7 Pro आया लेकिन काफी नेग्लिजिबल टाइमिंग था। अब अगली बार ये स्पीड टेस्ट की, तो दोनों साथ में खोलेंगे। ओके Honor 90 ने पहले खोल दिया, उसके बाद IQOO Z7 Pro ने खोला है, फटाफट स्पीड टेस्ट भी कर लेते हैं, सर्वर्स देख लेते हैं। वैसे मैं आपको पहले बता दूं कि हम 300 Mbps के अप एंड डाउन कनेक्शन पे चल रहे हैं और दोनों ही फोन सेम वाईफाई से कनेक्टेड है। अब बारी आती है IQOO Z7 Pro की, तो वाईफाई स्पीड टेस्ट में अपलोड तो ऑलमोस्ट सेम ही है लेकिन डाउनलोड में थोड़ा ऊपर नीचे का फर्क है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, पिंग भी 2-3 ही ऊपर नीचे है। तो अब बारी आती है जोमेटो की, दोनों को साथ में खोलते हैं एंड Honor 90 पे सबसे पहले लोड हो चुका है कंटेंट, मुझे सबवे वगैरह दिख रहा है यहाँ पे, एंड उसके बाद IQOO Z7 Pro पे आया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग लीड ले चुका है Honor 90 फिलहाल के लिए तो। एंड अब बारी आती है ब्लिंकिट की, सबसे पहले Honor 90 पे खुला है, फिर IQOO Z7 Pro पे खुला है लेकिन काफ़ी नेग्लिजिबल था ये जो टाइमिंग है इनका। अब बारी आती है गूगल क्रोम की, दोनों साथ में खुले एंड Honor 90 ने सबसे पहले खोल दिया एंड फिर IQOO Z7 Pro ने, लेकिन फिर भी नेग्लिजिबल ही लग रहा था मुझे, इतना कुछ डिफरेंस दिखा नहीं। आपको अगर दिख रहा है तो आप यार कमेंट्स में आके बता दो फटाफट। एंड बाकी सारे ऐप्स हो गया, बारी आती है गेम्स की, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है मेरे लिए तो एटलीस्ट। एंड लेट्स ट्राई ओपनिंग सबवे सर्फर्स साथ में, सबवे सर्फर्स सबसे पहले यहाँ पे लोड हो चुका है आई एम गेसिंग Honor 90 पे। एंड हाँ, सबसे पहले Honor 90 पे आ चुका है इसका जो स्प्लैश स्क्रीन है एंड उसके बाद IQOO Z7 Pro पे। एंड अब BGMI खोल के देखते दोनों फोन्स में साथ में ही, साथ में क्लिक हो गए
एंड क्राफ्टन तो सबसे पहले ऑनर 90 पे आ चुका है। लेट्स सी आईक्यू Z7 प्रो आगे आ जाता है कि ऑनर 90। वैसे गेम खुल ही रहा है तो मैं आपको फटाफट दोनों के ग्राफिक्स क्वालिटी भी बता ही देता हूँ। एंड Honor 90 ने सबसे पहले लोड कर दिया है, आईक्यू Z7 प्रो भी अभी आ चुका है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था, पर Honor 90 ने सबसे पहले लाया है। और फटाफट से हम ज़रा ग्राफिक्स क्वालिटी भी देख लेते हैं। तो Honor 90 पे आप HDR जा सकते हो एंड अल्ट्रा जा सकते हो, तो आपको बेसिकली 40 FPS का गेम प्ले मिल जाएगा, और अगर 60 FPS चाहिए तो आपको स्मूथ और एक्सट्रीम पे जाना पड़ेगा। एंड आई एम गेसिंग सेम गोज फॉर आईक्यू Z7 प्रो, क्योंकि यहाँ पे भी HDR और अल्ट्रा है, तो यहाँ पे भी आपको 40 FPS मिल जाएगा और स्मूथ एंड एक्सट्रीम पे आपको 60 FPS मिल जाएगा, तो दोनों पे सेम ही है। अगर आपको Honor 90 का भी एक्सट्रीम गेमिंग टेस्ट चाहिए या कुछ गेमिंग कंपैरिजन चाहिए तो यार कमेंट्स में आके बताओ फटाफट से, हम करते हैं कुछ प्रबंध। एंड अब बारी आती है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल की, तो दोनों फोन पे साथ में क्लिक कर देते हैं। एक्टिविजन आई थिंक Honor 90 पे सबसे पहले आया है, उसके बाद आईक्यू Z7 प्रो पे आया है। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि Honor 90 पे कोई गेम मोड स्पेसिफिक मिलता नहीं जैसे आईक्यू Z7 प्रो पे मिलता है, एंड आई थिंक Honor 90 ने फिर भी सबसे पहले चालू कर दिया है। यस लुक्स लाइक इट। हाँ तो सबसे पहले लॉबी पे हमें Honor 90 ले आ चुका है, उसके बाद आईक्यू Z7 प्रो आ चुका है। एंड लेट्स टेक अ लुक एट द ग्राफिक सेटिंग्स। तो Honor 90 पे आप वेरी हाई और मैक्स तक जा सकते हो, और लो पे आपको मैक्स तक जाने को मिलेगा ऑप्शंस। यहाँ पे अल्ट्रा का ऑप्शन दिख नहीं रहा है जो मुझे आईक्यू Z7 प्रो पे दिख रहा है। वेरी हाई पे आप वेरी हाई तक जा सकते हो, मैक्स तक नहीं जा सकते, लेकिन लो पे आप अल्ट्रा तक जा सकते हो, विच इज़ गुड। गेमिंग वाला सेक्शन तो हो गया, अब बारी आती है बेंचमार्क्स का। तो Geekbench 6 और Antutu है हमारे पास, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं रैम में किस किस ने एप्स याद रखा है। तो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल तो है, BGMI है दोनों फोन में, सबवे सर्फर भी है, क्रोम भी है, ब्लिंकिट, जोमैटो, स्पीड टेस्ट, हॉटस्टार। लुक्स लाइक दोनों ही फोन ने सारे ऐप्स को एकदम ध्यान से याद रखा है। अब चला लेते हैं बेंचमार्क्स। Geekbench आई थिंक Honor 90 पे थोड़ा स्लाइटली जल्दी चालू हुआ था। CPU बेंचमार्क चला देते दोनों पे साथ में, एंड हियर वी गो। तो Geekbench 6 के स्कोर्स हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं। आईक्यू Z7 प्रो ने सबसे पहले खत्म कर दिया टेस्ट, 1170 सिंगल कोर स्कोर है यहाँ पे उसका, तो उसका अपर एंड यहाँ पे मिल जाएगा Honor 90 के साथ, लेकिन मल्टी कोर स्कोर में Honor 90 फिर से अपर एंड ले लेता है। अब बारी आती है Antutu की, दोनों को साथ में खोलेंगे। एंड सबसे पहले Honor 90 खुला था एंड उसके बाद आईक्यू Z7 प्रो खुला था। आपको यहाँ पे पिछले जो हमारे टेस्ट के स्कोर्स है यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, पर हम फिर से टेस्ट करेंगे, तो लेट्स गो। तो सिंस ये Antutu का टेस्ट काफ़ी लंबा चलता है, तो मैंने सोचा आपको फटाफट स्पेक्स बता दूँ, ऊपर ही ऊपर से बता दूंगा। तो दोनों ही फोन्स में आपको एमोलेड डिस्प्ले तो मिल जाएगा, दोनों ही फोन्स में कर्व डिस्प्ले भी है, पर यहाँ पे डिफरेंस Honor 90 पे ये है कि इसके चारों साइड जो है वो कर्व्ड है, और आईक्यू Z7 प्रो के ये दोनों साइड जो है वो कर्व्ड है। और अगर सॉफ्टवेयर के बारे में बात करूँ तो MagicOS 7.1 मिलेगा आपको Honor 90 में, जो बेस्ड ऑन Android 13 है, और आईक्यू Z7 प्रो पे आपको मिलेगा FunTouchOS 13, वो भी Android 13 पे बेस्ड ही है। तो दोनों फोन्स की बैटरी के बारे में बात करूँ तो Honor 90 में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलेगी और आईक्यू Z7 प्रो पे 4600 mAh की बैटरी मिलेगी। अगर आपको दोनों फोन्स के बैटरी टेस्ट या चार्जिंग टेस्ट चाहिए तो यार फटाफट कमेंट करके बताओ। और अगर आपको वीडियो इतना देर पसंद आ रहा है, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है हमारे चैनल का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये वीडियो को लाइक भी कर देना। और अगर कैमरास के बारे में बात करूँ दोनों फोन्स के, तो Honor 90 पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाएगा जिसका प्राइमरी कैमरा जो है 200 मेगापिक्सल का है, और आईक्यू Z7 प्रो पे आपको ड्यूअल कैमरा सेटअप मिल जाएगा और उसका प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का है। मेगापिक्सल का तो डिफरेंस है दोनों फोन्स में, बट आईक्यू Z7 प्रो का जो प्राइमरी कैमरा है वो OIS सपोर्ट के साथ आता है, लेकिन Honor 90 पे जो सेकेंडरी कैमरा है वो अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो आईक्यू Z7 प्रो स्किप कर देता है। तो दोनों ही फोन से एकदम टो टू टो चल रहे थे Antutu के टेस्ट में, एंड सबसे पहले आईक्यू Z7 प्रो ने हमें स्कोर्स ला दिए है, एंड Honor 90 अब लाता ही होगा ऑलमोस्ट। एंड ये रहा, तो 5,48,000 है यहाँ पे, पिछली बार 6,00,000 के अराउंड था, एंड आईक्यू Z7 प्रो जो है वो 7,00,000 पे ला चुके हैं हमें। और आपको यहाँ पे CPU स्कोर्स, GPU स्कोर्स, मेमोरी एंड UX स्कोर्स भी देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे भी मोस्ट केसेस में आईक्यू Z7 प्रो ने अपर एंड ले लिया है। अब बारी आती है स्टोरेज टेस्ट की, तो दोनों फोन्स पे हम टेस्ट कर लेंगे सीक्वेंस रीड एंड सीक्वेंस राइट का जो स्पीड्स है वो देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पे, तो साथ में स्टार्ट कर देते हैं।
एंड ये टेस्ट भी कंप्लीट हो चुका है। सीक्वेंस रीड एंड सीक्वेंस राइट की जो स्पीड्स है उसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस तो लग नहीं रहा है मुझे। 1039 Mbps है यहाँ पे और 1044 Mbps है, बट स्कोर्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस है एंड यहाँ पे Honor 90 ने अपर हैंड ले लिया है। और इसी के साथ हमारा स्पीड टेस्ट Honor 90 वर्सेस IQ Z7 Pro खत्म हो जाता है। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि स्पीड टेस्ट देख के आप अपना बाइंग डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो से सिर्फ आपको पता चलेगा कि रैम परफॉर्मेंस कैसा है इसका, लोडिंग स्पीड्स कैसा है, अगर रैम मैनेजमेंट कैसा है वो भी सब पता चल जाएगा आपको, पर इसका जो कोर परफॉर्मेंस है वो आपको नहीं पता चलेगा। और अगर आपको कोर परफॉर्मेंस के बारे में जानना है तो यार कमेंट्स में आके बताओ, हम दोनों फोन्स का कंपैरिजन भी लाएंगे फुल और आपको पता चल जाएगा इसका डिस्प्ले कैसा है, कैमरास कैसा है, बैटरी कैसा है, सब कुछ बता देंगे हम आपको उस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको और ऐसे वीडियोस चाहिए हमारे चैनल पे तो यार फटाफट से माय स्मार्ट प्रेस को सब्सक्राइब कर दो, नीचे कमेंट छोड़ दो और ये वीडियो को लाइक भी कर देना। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। बाय बाय।